please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और सीधे आपको लेकर चलते हैं अहमदाबाद, जहां पर हमारे पास एक और मामले में पीड़ित के पिता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, जो आज फैसला आया है, दोषी करार दिया गया है, क्या आपको लगता है इस मामले में न्याय मिला है? नहीं, न्याय तो मिला है। और आपने ये बताया, आप बात बता रही थी कि उसकी उम्र के ध्यान के लिए उसको कम के कम सजा मिले, ऐसी जो बात आप बता रहे थे, तो उसकी बेटी की उम्र की लड़की के साथ जो ये कांड किया, तब आपने नहीं सोचा था मैं क्या कर रहा हूँ? और वो जो वकील बोल रहे हैं उसकी उम्र के ध्यान के लिए, इनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए, उम्र कैद की भी तो सजा होनी चाहिए, लेकिन इसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। उसकी उम्र का क्या ध्यान रख रहे हैं? उसका जो कांड है, कृत्य को ध्यान रखो ना, उम्र का क्या ध्यान रखने की जरूरत है? उम्र कुछ भी हो, लेकिन वो गुनाहित कृत्य तो गुनाह ही बोला जाता है ना, उम्र से कोई लेन देन होता नहीं है। दो बच्चे का मर्डर का केस, उसको जो बच्ची के साथ जो रेप का केस, उसको रेप के साक्षियों का मर्डर हुआ, गोली मार के हत्या, उसमें आपने कुछ देखा नहीं? अभी उसकी उम्र के देख के आप बोल रहे हैं उसकी सजा कम हो जाए? दलील दी गई है, अभी सजा का ऐलान होना बाकी है, ये आसाराम की तरफ से कहा गया है, उनके वकीलों की तरफ से कहा गया है। हाँ, वो बात सही है, वकीलों की तरफ से क्या गया है, लेकिन ये भी इतने बड़े अपराधी थे तो आप उनके शिष्य किस आधार पर थे? आप तो उनको भगवान की तरफ पूछते थे, आप अपनी पत्नी? नहीं 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 नहीं, उनके पास गए जी? हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले उनको सुनने दीजिए। ये गलत है, सुनने दीजिए उनको, उनको सुनने दीजिए। आप बोलिए, अभी सजा का ऐलान होना बाकी है। मुझे कह रहे हैं आप? हाँ, आपसे कह रहा हूँ, आप लोग गए थे किस लिए उनके यहाँ? हाँ, एक सेकंड, आप लोग सुन लेते हैं, आपके पास आएंगे हम, तमाम मेहमानों के पास आएंगे। आप बोलिए। हाँ जी, आप बोलिए। मुझे शांतिलाल को बोलने को कहते हो? नहीं नहीं, आपका आपसे सवाल स्टूडियो से है, आप जवाब दीजिए। अरे, मुझे बोल रहे हो आप? जी जी जी। हाँ, तो क्या सवाल क्या है मुझे? जी, आप बता रहे थे कि जो आसाराम के वकीलों की तरफ से दलील दी गई है, बहस पूरी हो चुकी है। हाँ, अभी सजा का ऐलान होना बाकी। हाँ, है, क्या उम्मीद करते हैं आप? आपके हिसाब से कितनी सजा होनी चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से तो वैसे तो इनको ज्यादा से ज्यादा तो फांसी तो होनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में फांसी का प्रावधान नहीं है, इसलिए जन्म टिप की तो सजा होनी चाहिए। कि कितने लोगों को इतने परेशान कर लिया है, बच्ची का बलात्कार, किसी का बेटा का छीन लिया, किसी की गोली मार दिया, किसी का जमीन हड़प लिया, ये गुनाह कितना किया हुआ है सरकार, ये हमारी देश की जो कानून व्यवस्था, ये तो देखेंगे कि नहीं देखेंगे? ये जन्मजात क्रिमिनल है, ये जन्मजात क्रिमिनल होने के बाद अपने साधु का ढोंग पिया हुआ था। हमने प्रश्न किया है वो तो जवाब दीजिए। हम सारे मेहमानों के पास आएंगे, अभी पीड़ित के पिता से मेरे और भी सवाल हैं, पहले उनको हम सुन लेते हैं, क्योंकि कुछ ही देर के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जो लोग धर्म का चोला ओढ़ करके इस तरह की हरकतें करते हैं, आज दोषी करार दिए गए हैं, आपको क्या लगता है कि और भी अभी ऐसे अंधभक्त हैं जो कह रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जो 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 अंधभक्त की बात कर रहे हैं आप, मेरी बात और आप ध्यान से सुनिएगा, और जो पास में जो भी बैठा उसके बात सुनिएगा। हमारा जो दोनों बच्चों अभिषेक और दीपेश का कांड हुआ 2008 में, वो दोनों बच्चों को आसाराम आश्रम के गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा था, और आश्रम के पीछे दोनों बच्चों की लाश मिली, एक ही महीना हुआ था। और अंधभक्त कैसे है मैं आपको बताऊँ, फिर भी अभी जो चुकादा जो आ रहा है, जो राजस्थान के अंदर जो पीड़ित है उसके बलात्कार का केस चल रहा है, वो भी उसको भी अंधभक्त था, तभी उसको पता नहीं था दो बच्चे के मर्डर हो गया, ये क्या हुआ, आसाराम इसमें संडो हुए उसके, जो वो उसको देखे बिना तो पानी नहीं पीता था, उसका दर्शन करे पानी नहीं, उसके लिए आश्रम बना रखा था, वो ऐसा अंधभक्त तो है ही, वो ऐसा अंधभक्त हो के तो उसने इतने साल, अब 2008 के बाद भी उसकी भक्ति चालू रखी, और 2013 में उसको घर पे ही ये कांड हुआ, तभी ये अंधभक्त तो रहते ही है, क्योंकि आश्रम के अंदर ये बताना जा रहा है कि ये बापू का द्रोही है, बापू को बदनाम करने के लिए किया है, इसलिए वो भी अंधभक्त, जो अभी बेटे का जो पिताजी है वो भी अंधभक्त हो गए थे, उसने भी हमारी बात भी नहीं सुनी, हमारे दोनों बच्चे गए उसके पर भी कोई गौर उसने देखा नहीं कि क्या हुआ कैसे हुआ, उसको
वो जो भी पीड़ित हो बच्चे के उसके साथ कनेक्शन भी मत रखो, उसे मिलो भी मत, यहाँ तक किया जाता है। जैसे अंधभक्त को तो यही बिल्कुल, और इस फैसले का इंतजार सभी को था। एक बार फिर से आपको परिचय करवा देते हैं, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व आईपीएस रणवीर शर्मा, ज्योतिषी वाई राखी, जेके बेनीवाल धर्म प्रचारक हमारे साथ मौजूद हैं, मुन्ना कुमार शर्मा ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा से हैं, राजेंद्र गुप्ता आरटीआई एक्टिविस्ट, विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी, कृष्णा शर्मा धर्माचार्य हैं। इसके अलावा पीड़िता के पिता अहमदाबाद से जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले हम विक्रम सिंह जी के पास चलते हैं जो कि पूर्व डीजीपी हैं। विक्रम जी, अब मैं जरा इस मामले की शुरुआत में जाना चाहती हूं कि दिल्ली में ये मामला दर्ज होता है, पुलिस जीरो एफआईआर दर्ज करती है, तो आपको लगता है कि ये मामला एक नजीर है, क्योंकि अगर पुलिस शुरुआत में ही तत्परता दिखाए तो आसाराम जैसे लोग भी जेल के अंदर होते हैं? निसंदेह इसको एक नजीर की तरह लेना चाहिए, और जो त्रुटियां हुई हैं और जो कामयाबी है उसको सभी की समीक्षा होने चाहिए। एक श्वेत पत्र के रूप में पुलिस और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को, विवेचकों को प्रशिक्षण में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। आपने जीरो एफआईआर पे अपराध पंजीकृत किया, इसको ट्रांसफर किया, एक गुणवत्ता परख एक विवेचना हुई और सभी सबूतों का संकलन किया। एक रसूखदार आरोपी को आपने कालांतर में सजा दिलवाई, और ये न्यायपालिका को सलाम करने का दिन है कि एक प्रभावशाली आरोपी होने के बावजूद और तमाम कोर्ट में जाने के बावजूद आसाराम को किसी भी न्यायालय से कभी भी कोई रिलीफ नहीं मिली। ये हमारी न्यायपालिका की शक्ति और सामर्थ्य है, और आज उनका पूरे प्रकरण का उनको दंडात्मक, उनके बारे में दंड सुनाया गया है, और मैं समझता हूं कि इसको एक नजीर की तरह ही लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल लेंगे हम, सबके पास आएंगे, सबको समय मिलेगा। पहले मैं वाई राखी जी के पास जाती हूं। सियासी एक तरह से देखा जाए, कानूनी तौर पर तो आसाराम मुश्किल झेल रहे हैं, दोषी करार दिए गए हैं, अब से कुछ ही देर में सजा का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि आप ज्योतिषी हैं, ग्रह दशा क्या कहती है आसाराम की अगले 5 साल तक? अगर ये सुनवाई जो आज आसाराम, ग्रह दशाओं की बात कर रहे हैं, सो इसे कोई भी पर्सनल ना ले, मैं यहाँ किसी को पर्सनली जो है वो फेवर नहीं दे रही हूँ। 2 तारीख के बाद यानी कि 2 मई के बाद जो है मंगल मकर का हो जाएगा, और कर्क राशि वालों के लिए खासकर और मकर राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा होगा, और इनकी जो है कर्क लगन है धनु राशि है। मैं यहाँ बता दूँ, अगर यही फैसला 2 तारीख के बाद होता तो निश्चित ही आसाराम बापू बाहर होते। अब 5 साल की अगर आप बात कहती हैं तो मैं आपको बता दूं, बापू को राहत जरूर मिलेगी अगले 2 साल के अंदर, अगले 2 महीने के अंदर, इस कोर्ट से ना मिले, अपर कोर्ट से मिलेगी, और उनको जेल से बाहर आना है, ये बिल्कुल तय है। बिल्कुल, सारे मेहमान हमारे साथ बने रहिए, और इस वक्त हमारे सहयोगी भवानी मौजूद हैं जोधपुर से, पहले उनके पास चलते हैं। भवानी, खबर ये है कि जेल में एम्बुलेंस भी बुलाई गई है, ऐसा क्यों? सवाल दोहराएंगे जी, एम्बुलेंस भी बुलाई गई है, ऐसी खबर है? जी हाँ, एम्बुलेंस बुलाई गई है, और 2 एम्बुलेंस बुलाई गई है, लेकिन इसको उससे जोड़कर नहीं देखा जाए, 2 चीज़ें होती है। एक तो क्या होता है, सुरक्षा के नज़रिए से भी पुलिस को बंदोबस्त पहले करने होते हैं कि कोई भी इमरजेंसी हो जाए उसके लिए तैयारी रखनी पड़ती, उसके लिए रखा गया। दूसरा, क्योंकि वहाँ पर जेल के और भी लोग हैं तो इस व्यवस्था को भी ध्यान में रखा जाता है कि किसी के साथ कुछ ना हो जाए, ये कारण है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, फैसले को लेकर अब बहस पूरी हो चुकी है, दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, और अब उसके बाद में फैसला लिखा जा रहा है, और कुछ ही वक्त बाद में फैसला आ सकता है। हमारे साथ एडवोकेट हैं भारत भूषण जी, जो बताएंगे कि जो आर्ग्यूमेंट के पक्ष है उसके बाद में किस तरीके की सज़ा हो सकती है, ये बताएँ। जो दलीलें दी गई बचाव पक्ष की ओर से कि वो बुज़ुर्ग हैं, वो एक धर्म उपदेशक हैं, नाबालिग और उनकी उम्र का तकाजा रखा जाए, इन सारी बातों को ध्यान में रखा गया है, लेकिन अपोजिट पार्टी है जो पीड़िता पक्षकार है, उसके जो अधिवक्ता है, उनके द्वारा भी जो है ये दलीलें दी गई है कि बापू के इस ट्रायल के दौरान जो इम्पोर्टेंट गवाह थे उन गवाहों को मरवा दिया गया है, उन गवाहों को करप्ट करने की कोशिश की गई, उनको थ्रेटनिंग दी गई, उनको पैसे से लालच दिया गया, साम दाम दंड भेद जिसको हम कहते हैं, सभी तरह के प्रयास किए गए, और जो महत्वपूर्ण जो 3 गवाह थे जिसमें से 2 की हत्या हो गई, एक जो गवाह है जो गंभीर रूप से घायल हुआ था, वो बातें भी ध्यान में रखी जा रही है, वो सजा बढ़ाने के लिए वो उनकी तरफ से दलील दी जा रही है। दूसरी जो बड़ी बात है, अहम बात है, कि जो बापू के चरित्र की बात की जा रही है कि वो उपदेशक ये दिए जा रहा है, लेकिन बचाव इनकी ओर से, अभियोजन की ओर से क्या दलील दी गई है उसमें? आप देखिए,
उपदेशक और एक धर्मगुरु होना एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन न्यायालय के समक्ष, न्यायालय के पास में जो है वो कानून को देखता है, जो उसके पास में जो एविडेंस आई है। उम्र कितनी मायने रखती है? उम्र का जो तर्क दिया गया क्या हकीकत में वो मायने रखती है? देखिए, उम्र की अमूमन दूसरे केसेज में उम्र के तकाजे को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन ये उम्र के तकाजे से रिलेटेड मैटर नहीं है, क्योंकि ये अपराध ही यौन शोषण का है, बलात्कार से संबंधित मामला है। इसलिए एक बात तो ये, दूसरी बात, जब बापू के द्वारा ये दुष्कृत्य किया गया बताया गया तो इसमें पोटेंसी टेस्ट कराई गई थी बापू की। उस समय जब पोटेंसी टेस्ट कराई थी उस समय पोटेंसी जो टेस्ट आई थी वो 72% आई थी, यानी कि एक यंग व्यक्ति के द्वारा जो सेक्स किया जा सकता है उतनी ही ताकत बताई गई थी। तो एक व्यक्ति में अगर उस तरह की जो ताकत थी जो बापू में बताई गई, तो ये मायने नहीं रखती है कि दलीलें भी दी जा रही है। मानिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है, अब हम जेके बेनीवाल जी के पास चलते हैं। बेनीवाल जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग धर्म का चोला ओढ़ करके इस तरह की हरकतें करते हैं और अब आसाराम दोषी करार दिए जा चुके हैं, आपको नहीं लगता आप लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है? देखिए रश्मि जी, देखिए हम इस बात को, हम संतों का आदर करते हैं, संतों का, महात्माओं का, ये नहीं है, वो हमारे दिल में रहते हैं और पूरे भारतवर्ष का ये मानना है। लेकिन अगर संत के चोले में अगर जब कोई गलत काम करता है तो उसकी हम भर्तना से करते हैं। आज कोर्ट ने उनको दोषी दिया, मैं उनको ये नहीं कहता कोर्ट ने दोषी दिया, गलत दिया, ठीक दिया, कोर्ट ने दिया है जो फैसला, हमारे सर मान्य है। लेकिन सवाल यहाँ पर दो तीन ये उठते हैं जैस्मिन जी, कि बार बार इसी देश में इसी धर्म के नाम पर यहाँ पर एक तरफ हैदराबाद के अंदर 10-10 साल की हमारी बच्चियां, मुस्लिम महिलाएं सऊदी अरब के शेख आते हैं और उनको हलाला करके बेच के लेके जाते हैं, उनके ऊपर तो आपका मीडिया थोड़ा सा दिखाता है। आज मीडिया की भी जिम्मेवारी है, और दूसरे धर्मों में क्रिश्चियनिटी धर्म, नहीं नहीं मैं आपको रोकूंगी, आप मीडिया की जिम्मेदारी तय मत करिए। नहीं नहीं, ये गलत बात है। देखिए कोर्ट ने दोषी करार दिया है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मीडिया नहीं कह रहे हैं, पूरे 4 साल ट्रायल चला है और मैं आपके पास आऊंगी। देखिए इसका जवाब भी लेते हैं रणवीर शर्मा जी से, जो पूर्व आईपीएस है। एक मिनट सुनिए 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 सुनिए, पूरे धर्म को, नहीं नहीं नहीं, आप इसको इस चीज से मत जोड़िए। हमारे साथ तमाम मेहमान है, रणवीर जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि इसमें जो है गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश भी की गई, जैसे कि हमने 0 FIR की बात की थी। और एक मिनट, आप आपसे हम आपके पास आएंगे, सबको बोलने का समय दीजिए, ऐसे में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। प्लीज बताइए रणवीर जी, हमने 0 FIR की बात की, विक्रम जी से हमने इस पर चर्चा की, लेकिन इसमें जब ट्रायल चला पूरी कोशिश की गई आसाराम और उसके समर्थकों की तरफ से, 3 गवाहों की हत्या हुई, इसके अलावा कई पर जानलेवा हमला भी हुआ। आगे जो है इस तरह की स्थिति ना बने, कानून व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कायम रहे, क्या कदम और उठाने की जरूरत है? अब सबसे पहला कदम पुलिस के लिए बड़ा जरूरी कि जैसे ही सजा सुनाई गई तो कोई भगतगण वो आत्मदाह ना कर ले। एक तो ये रोकने की जरूरी है कि वहाँ धारा 144 लगी है, तो 5 से ज्यादा कहीं भी लोग इकट्ठे ना हो, ये प्रिवेंटिव मेजर लेना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि अगर कहीं पे भी इस प्रिवेंटिव मेजर के साथ साथ कोई और जो दूसरे प्रकार के जो मुलजिम हैं, अपराधी हैं, उनके ऊपर कोई अटैक ना कर दें, जैसे ही सजा के लिए इन लोगों को लेके जाएंगे तो पब्लिक का एक बड़ा भारी सामाजिक दबाव उनके ऊपर होता है, अब ये बहुत गलत आदमी, आध्यात्मिक गुरु होने के नाते इन्होंने ये बड़ा गलत काम किया है, तो उनके ऊपर भी कोई अटैक हो सकता है, वो भी पुलिस को एक प्रिवेंशन करनी पड़ेगी। तीसरी बात मैं इसमें कहूँगा कि जहाँ कानून की बात आती है, कानून के सामने अपराधी ने, अपराधी चाहे वो कोई भी हो, चाहे बड़ी उम्र का हो चाहे छोटी उम्र का हो, अपराध अपराध है और उस अपराध के लिए जो कार्रवाई और जो कानून है और जो पोक्सो एक्ट लगा है, ये हर कीमत पे ज़्यादा से ज़्यादा सजा उन्हें मिलेगी। और ये 3 चीज़ जैसे गवाहों को छेड़ना, गवाहों के साथ सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना या उनके ऊपर अटैक कराना, बहुत अहम बातें आप यहां पर कह रही है, ऐसे ही सख्त कदम उठाने की जरूरत है। चीजें उनकी उनकी जो सजा है उसको कम नहीं कहूंगा, बल्कि उसको बढ़ाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल रणवीर जी, हम आपके पास वापस लौटेंगे और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। कृष्णा जी, मेरा सवाल आपसे है कि अब आसाराम दोषी करार दिए जा चुके हैं, सजा का ऐलान होगा, अब आपको नहीं लगता कि लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है? बतौर धर्माचार्य आप अपना रोल कहाँ पाती हैं? देखिए, बतौर जो है धर्माचार्य, मैं पहले तो लोगों को यही कहना चाहूंगी, सबसे पहली बात यह है कि धर्म गुरु कोई भी अवतार लेके पैदा नहीं हुआ है, सभी जो है
किसी ना किसी यानी महिलाओं के ही उससे हम जरिए आए हैं। आप वो जिस महिलाओं के जरिए आप इस धरती पे आए हो उसी पे अत्याचार कर रहे हो। दूसरी चीज ये है कि माँ बापों को भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास करो, मांगो उससे जो जिससे सब लोग मांगते हैं। ये नहीं कि आप उस इंसान से मांग रहे हो जो खुद जो है उसको धर्मगुरु बनाने वाले आप ही लोग, आपकी श्रद्धा बनाती है, मगर अंधे भक्त मत हो। आप अपनी लड़कियों को ऐसे लोगों को अनजान, आज की डेट में जो है अगर हम अपने किसी भी जो है रिश्तेदार को नहीं देख सकते हैं या अपने परिवार के लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, आप अंधे बन के आप किसी को एकदम सौंप देते हैं, ये गलत है। इतना अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, लोगों में जागरूकता पैदा होना चाहिए। हमारे कानून का आज बहुत ही ज्यादा अभिनंदन करते हैं जिन्होंने ये जो है आज फैसला सुनाया। बिल्कुल, वो जो जज हैं उनका भी अभिनंदन करते हैं, उस लड़की का अभिनंदन करते हैं जिसने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। बिल्कुल, तो आप यहाँ पर कह रही हैं कि लोगों की जवाबदेही भी बनती है। बिल्कुल, मुन्ना जी के पास चलते हैं। मुन्ना जी, क्या आप कृष्णा जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये जो पीड़िता का परिवार है ये आसाराम जी को अपना गुरु मानता था और पूरा परिवार वही पेट पालता था। तो आप बताइए कि ऐसे ऐसे अंधभक्त जो कि पूरी जिंदगी वहाँ खपा दिया कि ये तो भगवान जैसे हैं, और अचानक जब उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो वो शैतान हो जाता है, उस पर आरोप लग जाते हैं, उस पर मुकदमा हो जाता है। यानी कि जो तो ये तो गलत प्रचलन है ना, ये तो गलत प्रचलन है ना। पहले आप भगवान मानते हैं और जब आपको पैसा नहीं मिला तो वो शैतान हो गया। नहीं नहीं, ये गलत बात है, सब हो रहा है, यही सब हो रहा है, नहीं और यही सब हो रहा है। संतों को, हिंदू संतों को गलत फंसाया जा रहा है। देखिए, इस बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र चल रहा है, इसे जोड़ना गलत है, चाहे किसी भी धर्म का हो। अगर आप धर्म का चोला ओढ़ करके कितने भी रसूखदार हो, इस तरह की हरकतें करते हैं तो कानून आपको सलाखों के पीछे छोड़ेगा। ये क्यों नहीं समझ? नहीं नहीं, अब हम चलते हैं राजेंद्र गुप्ता जी के पास। राजेंद्र गुप्ता जी, आपके पास एक सेकंड, एक सेकंड। आप मुन्ना जी, आपको सुन लिया है, मुन्ना जी एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाइए, सब शांत हो जाइए। मुन्ना जी, क्या ऊपरी अदालत निचली अदालत? देखिए, सबका ऑडियो, सबका ऑडियो बंद करना पड़ेगा। मुन्ना जी, एक बगैर सबूत के सबको बोलने का मौका मिलेगा, ऐसे हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। सबकी ऑडियो हमें कम करनी पड़ेगी ताकि हम सबको सुन पाए। अब हम चलते हैं राजेंद्र गुप्ता जी के पास। राजेंद्र जी, आपके पास वो पेपर्स भी मौजूद हैं कि किस तरीके से आपने पूरे मामले को उजागर किया था, आपसे समझना चाहेंगे हम। देखिए, एक तो आवाज कट रही, दूसरा मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यहां जो उम्र की दुहाई दी जा रही है, दूसरा अच्छा संदेश देने की बात की जा रही है और आदतन अपराधी नहीं होने की बात की गई है, तो उम्र का लिहाज इसलिए नहीं किया जाएगा और यही कारण बनेंगे इनको अधिकतम सजा दिलाने में। क्योंकि उम्र अगर लिहाज की जाती तो इस उम्र में आप इस तरह का पाप नहीं करते। दूसरा, अच्छा संदेश अगर आप दे रहे होते तो आप बार बार माननीय उच्चतम न्यायालय में आपने झूठे दस्तावेज पेश किए, आप लगातार कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, आप जमीन हथियाने में उल्लंघन कर रहे हैं, आप साक्ष्यों को मिटा रहे हैं, आप गवाहों का मर्डर करवा रहे हैं, तो ये आपका बताता है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं या आदतन अपराधी हैं या नहीं है। दूसरा, आपने अच्छा संदेश आज तक ऐसा कोई संदेश नहीं दिया, क्योंकि लगातार आप वर्षों से कानून नियमों और सबका उल्लंघन करते आ रहे हैं। तो जो आप जिन कारणों को बताकर बचने की दुहाई दे रहे हैं वही कारण अधिकतम सजा दिलवाने में। बिल्कुल, इसके लिए राजेंद्र जी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि आसाराम के वकीलों की तरफ से भी दलीलें दी गई हैं, साथ ही अभियोजन पक्ष की तरफ से भी दलीलें दी गई हैं। हम रणवीर जी के पास चलते हैं, जो आपने बातें कही हैं। रणवीर जी, सवाल ये भी खड़ा होता है क्योंकि जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित है, लगातार धमकियां दी गई, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर पीड़ित परिवार की भी दाद देनी होगी कि अभी भी लोगों का भरोसा पुलिस पर कायम है, कानून पर कायम है, और इतनी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी और आज दोषी करार दे दिए गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम कि देखिए, जो पीड़िता पक्ष था और साथ में जो तफ्तीशी ऑफिसर थे, उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी इस केस को पूरा करने के लिए और इस पूरे केस की विवेचना करने के लिए, तभी जाके सारे सबूत मजिस्ट्रेट के पास आए और उन्हीं सबूतों के आधार पर आज मुलजिम को सजा मिली है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि अब उन पीड़िता को सजा होने के बाद
उसकी रक्षा और भी ज्यादा जरूरी है। उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराया जाए, जो हमारे गवाह बाकी बचे हैं उनको भी पूरी सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ये नेचुरली केस को आगे तक लेके जाएंगे, अगली अदालत में लेके जाएंगे, तो हमारे गवाहों को सही तरीके से रखना, हमारे साथ साथ जो पीड़िता पक्ष है उनकी पूरी रक्षा करना, और साथ ही साथ हमारे इनके जो भगतगण हैं, अंध भगतगण हैं, उनको भी हमने सुरक्षा के तौर पर रखना पड़ेगा, कोई आत्मदाह ना कर सके और कोई बलवा ना कर सके कि किसी हमारी कोर्टें को भवानी। अब बहस तो पूरी हो चुकी है, उम्मीद कब तक की जाए, फैसला आ जाएगा, सजा का ऐलान हो जाएगा? देखिए बिल्कुल बहस पूरी हो गई, उसके बाद में जज साहब कोर्ट रूम में गए, चैम्बर में गए, उसके बाद में उन्होंने फैसला लिख भी लिया और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही देर बाद में अनाउंस कर सकते हैं। हालांकि जो ऑफिशियली कोर्ट का टाइम है वो पूरा हो चुका है, उसके बाद में क्योंकि लेकिन इतना बड़ा केस है, सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं कई सारे हैं, इसलिए माना जा रहा है कि वो फैसला आज सुनाई देंगे और सुनाने के बाद में उसी का इंतजार किया जा रहा है। हमारे साथ भारत भूषण जी हैं, सीनियर वकील हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप ये बताएं कि अब तो तकरीबन फैसला आने वाला है, आपको क्या लगता है किस तरीके का फैसला आ सकता है? नहीं, फैसला तो जब दोषी करार दे दिया है तो सजा निश्चित रूप से आएगी। अब ये सजा का फैसला आएगा, सजा सुनाएंगे, सजा कितनी सुनाते हैं ये जज साहब के ऊपर निर्भर है, लेकिन जो पोक्सो एक्ट है उस पोक्सो एक्ट के अंदर सेक्शन 5 और 6 के तहत अगर इनको सजा दी जाती है तो वो मिनिमम 10 ईयर है, लेकिन वो जो है एक्शन हो सकती है लाइफ इम्प्रिजमेंट तक। सेक्शन 5 और 6 में क्या है पोक्सो में? सेक्शन 5 के अंदर ये है कि आपराधिक लैंगिक हमला है, उसके साथ में नाबालिग के साथ में बालक और बालिका है, उसके साथ में कुकर्म और दुष्कर्म करना है। अच्छा, इसमें दूसरी एक दलील बार बार दी जा रही है कि इसके अंदर इविडेंस जो मौके के साक्ष्य सबूत नहीं है, कोई चश्मदीद नहीं है और साइंटिफिक इविडेंस नहीं है। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण एविडेंस है वो पीड़िता की एविडेंस है, उसके माता पिता की एविडेंस है, दूसरी एविडेंस मेडिकल एविडेंस है, जो मेडिकल एविडेंस जो कॉरोबोरेटेड होती है, जैसा कि बापू के खिलाफ आरोप था तो उस लड़की के द्वारा जब जबरन उसकी की तो 2-3 बार उसने उल्टी की थी, उल्टी की थी तो उल्टी की FSL ली थी, उसकी FSL रिपोर्ट है जो इसको कॉरोबोरेटेड कर रही है। एक बात बताएं कि एक जो सेक्शन के अंदर एक आरोप इन पर भी ये भी है कि इनकी कस्टडी के अंदर थी, ये एक गुरु थे, ट्रस्टी थे, इन्हीं के आश्रम की थी, जो आरोप सेक्शन के अंदर IPC की किन धाराओं में लगा वो कितना बड़ा, उसमें कितनी सजा हो सकती है? पुलिस ने जब इसका इन्वेस्टिगेशन करके चालान प्रस्तुत किया था तो एक आरोप ये भी लगाया था IPC का 370 उसका सब क्लॉज 4 लगाया था, जिसका तात्पर्य होता है किसी व्यक्ति को आपके पास में रहते हुए उसको दास बनाना, दास बना करके उसका क्रय विक्रय करना, उसका आयात निर्यात करना। बिल्कुल भवानी, ये अहम जानकारियां दे रही हैं और अब हमें इंतजार करना होगा जब सजा का ऐलान होगा। आपको अपडेट दे दे, बहस पूरी हो चुकी है, किसी भी वक्त सजा का ऐलान हो सकता है। हम मुन्ना कुमार शर्मा के पास चलते हैं। मुन्ना, अब से कुछ देर पहले आप आसाराम का समर्थन कर रहे थे, बचाव कर रहे थे, लेकिन मैं जरा पीछे लौटती हूँ। राम रहीम केस में हमने देखा था किस तरीके से समर्थकों ने उत्पात मचाया था, क्या आपको लगता है जब सजा का ऐलान होगा जो आसाराम के समर्थक हैं वो शांति का परिचय देंगे? शांति का परिचय बिल्कुल देंगे, चूंकि जो आसाराम जी के समर्थक हैं उनके करोड़ों भक्त हैं, आसाराम जी ने पहले ही चिट्ठी लिख करके आह्वान कर दिया है कि किसी को किसी प्रकार की अशांति फैलाने की आवश्यकता नहीं है, कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। तो जो आसाराम जी ने गाइडलाइन दे दी है अपने शिष्यों को, उससे कोई भी बाहर नहीं जाएगा और मुझे नहीं लगता कि कहीं हंगामा होगा। छिटपुट घटनाओं का नहीं कह सकते हैं, गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन कोई बड़ी घटना या बड़ा हंगामा नहीं हो सकता, चूंकि ये आसाराम जी ने खुद ही ऐसी अपील कर दी है। और हमारे यहाँ न्याय प्रधान देश है, यहाँ निष्पक्ष न्यायपालिका है, न्यायपालिका के फैसले का सब सम्मान करता है, सब आदर करता है। चलिए, ये अच्छी बात आपने कही है कि न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करते हैं, क्योंकि बाकी ऑप्शंस आप लोगों के पास खुले होंगे जिसका आप रुख कर सकते हैं। कृष्णा जी, जो 3 दिन तक उन्होंने दलीलें दी गई हैं, जैसा कि हम बता रहे थे आसाराम के वकील की तरफ से, कि वो आदतन अपराधी नहीं है, उनकी ज्यादा उम्र का हवाला दिया गया है, लेकिन जब केस का ट्रायल चला आसाराम की तरफ से, उनके भक्तों की तरफ से पूरी कोशिश की गई ट्रायल को प्रभावित करने के लिए, 3 गवाहों की हत्या हो गई, कईयों पर जानलेवा हमला हुआ, तो क्या ये दलीलें काम आती हैं जब आप धर्म का प्रचार करते हैं? नहीं, अगर हम गलत नहीं हैं तो ना ही हम सबूतों को मिटाएंगे,
ना ही जो है हम कोई ऐसी काम करेंगे जिससे जो जैसे गवाहों का जो है आप बता रहे हैं मर्डर हो गया, हमने भी देखा न्यूज चैनल के माध्यम से कई गवाह जो है उनका मर्डर कर दिया गया। कभी उन्होंने देखा कि उनके परिवार में उनके बच्चे उनकी बेटियां कैसे हैं, उनकी तरफ भी उनका ध्यान नहीं गया क्योंकि वो तो आपके आश्रम से जुड़े हुए हैं। आज जो है सारे लोग जो है उनको आप क्या बात कर रहे हैं फंसाने के लिए, आज क्यों नहीं, आज क्यों नहीं, आसाराम जी पर और मुकदमे कायम करने के लिए उनको फंसाया गया। ये बोल आसाराम जी तो जेल में थे, गलत करेगा आसाराम जी तो जेल में थे, कैसे मर्डर कराएंगे, ये वो डर है, वो तो जेल में है लेकिन उनको फंसाने के लिए कि वो जेल से निकले नहीं इसलिए ये सब हत्याएं कराएंगे। आसाराम जी के द्वारा कोई भी किसी प्रकार का इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया गया और आसाराम जी ने कभी भी अपने भक्तों को ये नहीं कहा कि कोई गलत काम करो, उनको गलत तरीके से फंसाया गया। आसाराम जी जेल से ना आए इसलिए षड्यंत्र किया गया, हत्याएं कराई गई, लोगों पर हमले कराए गए, ये सब सब षड्यंत्र के तहत किया गया। आसाराम जी तो जेल में थे, वो कैसे हमले करवा सकते हैं, वो कैसे हत्या करवा सकते हैं, उनको फंसाने के लिए, उनको फंसाने के लिए जेल से निकले नहीं, वो गवाह कौन दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, जेल से निकले नहीं, बाहर निकले नहीं, उन्होंने अपने आश्रम में एक वर्ष में शक्ति बांध दिया। मुन्ना जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए मुन्ना जी, आप बता रहे हैं गलत हुआ, मैं आपको बता दूं कि प्रजापति की हत्या हो जाती है, ये वो लोग हैं, ये वो गवाह हैं जो पहले आसाराम के साथ जुड़े थे लेकिन जब उनको आसाराम की करतूतों के बारे में पता चला तो वो अलग हो गए। तो ये हत्याएं आसाराम जी के द्वारा नहीं करवाई गई है, वो तो जेल में थे। अच्छा, उनको उनके हत्या करने से फायदा होगा जो आसाराम जी के विरोधी है, षड्यंत्र था कि और भी मुकदमे उन पर कायम हो जाए और आसाराम जी जेल से निकले नहीं, इसलिए षड्यंत्र के तहत हत्याएं करवाई गई, गवाहों पर हमले कराए गए, संत बताए जिनको भगवान बताए, जो षड्यंत्र पहले से करके फंसाया गया। मुन्ना जी मैं आपको बता दूं, आसाराम ने पूरी कोशिश की जेल से बाहर निकलने की, सितंबर 2013 से अब तक निचली अदालत से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, 12 बार जो है जमानत की अर्जी दी, ठुकरा दी गई, अधिकार है लगा लंबे, और जो अमीर वकील है, नामी वकील है, देश के सबसे बड़े वकील है, चाहे उसमें सुब्रमण्यम स्वामी का नाम हो, राम जेठमलानी का नाम हो, उनकी फौज थी, मेरी बात सुनिए। हाँ। तो पूरी एक तरह से कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया, हर कोशिश आसाराम की तरफ से भी की गई, लेकिन आज कोर्ट का फैसला आया है और गवाहों सबूतों के वजह से अदालत चलती है और इसी की वजह से यह फैसला आया है। दो बड़ी क्यों हुए, उसी पुलिस ने FIR किया था 5 लोगों पर, दो बड़ी हो गए शर्मा जी, दो बड़ी हो गए, नहीं दो बड़ी हो गए, अभी कोर्ट का फैसला आने दीजिए, आप सब आप गलत सुन रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं शर्मा जी, गलत नहीं कह रहे आप, दो लोग दबाव में काम कर, दो लोग बड़ी हो गए, साजिश के तहत हत्या हो रही है, लोग बड़ी हो गए, आपको ये नहीं पता कि मुकदमा क्या है, सब पता है, मुकदमा पता, अपराध पता होगा, आप ये बात थोड़ी कहेंगे, ये पॉक्सो एक्ट में जो मुकदमा आप धर्म की गलत से दुहाई दे रहे हैं, आप अपराध चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, तमाम बड़े मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बहस पूरी हो चुकी है, किसी भी वक्त सजा का ऐलान हो सकता है।